हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो ऑल ऑफ यू। सो आज है हमारा संडे। सो आज का संडे थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। 5 मिनट्स बाद स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों को भी ऐसे स्क्वायर में जो बॉक्स है ड्रॉ करना है, तो आप अभी 5 मिनट्स के अंदर आप ड्रॉ कर सकते हो। मैं अभी 5 मिनट के बाद ही मैं लाइव सेशन स्टार्ट करूँगी। आज के कुछ बेसिक मैं इंट्रिकेट चेक्स के डिज़ाइन करवाने वाली हूँ। सो नॉट फॉर बेसिक, थोड़ा डिटेलिंग में रहेगा और थोड़ा हार्ड भी नहीं। जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी पूरा स्टेप बाय स्टेप ही मैं करवाने वाली हूँ। फर्स्ट यहाँ पे मैं कॉर्नर टू कॉर्नर पेटल का यूज़ कर रही हूँ। मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी लाइन को मैं कंप्लीट करूँगी। आज आप प्रैक्टिस के लिए रफली आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों को आइडिया नहीं था कि मैं आज चेक्स के डिज़ाइन करवाने वाली हूँ। तो आज का जो सेशन रहेगा उसका टाइमिंग ड्यूरेशन मैं 1 आवर बढ़ा के IGTV पे रखूँगी, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप रिपीट वापस से देख सकते हो। वन बॉक्स में मैंने ऐसे पेटल यूज़ की है कॉर्नर टू कॉर्नर। अगेन मैंने वन बॉक्स को एम्प्टी रखा है। जो एम्प्टी बॉक्स है वहाँ पे मैं उसकी अपोजिट पेटल ड्रॉ करूँगी। और आज की जितनी भी मैं चेक्स की डिज़ाइन, जो फिलर की डिज़ाइन करवाने वाली हूँ चेक्स के, जहाँ तक मुझे पता है ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला है, किसी गूगल पे या किसी इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। ये मेरा खुद का क्रिएशन है, तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारी यहाँ पे मैं यूनिक यूनिक चेक्स की डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। इवन मेरे खुद के डिज़ाइन भी आप देखोगे सारे खोल के, तो उन डिज़ाइन में भी ये से सारी चेक्स नहीं मिलेगी। हमारे टाइमिंग ड्यूरेशन के हिसाब से आज जितना टाइम रहेगा उस टाइम में जितने चेक्स कंप्लीट होंगे उसको हम कंप्लीटली करेंगे। फर्स्ट फर्स्ट पेटल जो मैंने यहाँ पे ली है उसमें मैं अप टू डाउन शेड कर रही हूँ। देन डाउन साइड में भी मैं ऐसे शेडिंग ले रही हूँ। सो कोई भी एक स्टेप आपको हमेशा लेके ही चलना है। ऐसा नहीं कि ये कर लिया उसके बाजू वाला कर लिया, तो चेक्स के डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग सबको होती है। तो आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और बहुत फाइन भी बनेगा चेक्स। अगेन कोई भी एक स्टेप को पहले कंप्लीटली फील करना है। मेरे लाइव सेशन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक चेक्स के बारे में पता भी नहीं है। सो उनके लिए मैंने आज ये चेक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रखा है।
डाउन टू अप, अप टू डाउन, इस तरीके से धीरे धीरे पेटल्स में हल्के हल्के हाथों से शेड देना है। तो एक स्टेप को मैंने पहले कम्प्लीटली यहाँ पे फिल कर दिया है। जिन सेक्शन में मुझे, जिन पेटल्स में मुझे शेड करना था वो मैंने कम्प्लीटली कर लिया है। सेकंड जो स्टेप मुझे फॉलो करनी है, फर्स्ट बॉक्स के फर्स्ट पोर्शन को मैं यहाँ से डार्क कर रही हूँ, देन डाउन साइड वाले पोर्शन को यहाँ से फिल कर रही हूँ। सो क्रॉस लाइन में कंप्लीटली उसको फिल करना है। मैं ज़्यादा स्पीड से भी नहीं कर रही हूँ बिकॉज आप लोगों को समझ में ना आए। थोड़ी चीज़ें करेंगे लेकिन उसको डिटेलिंग में एंड बहुत अच्छे से। देन सेकेंड बॉक्स को एम्प्टी रखना है, थर्ड बॉक्स को यहाँ से आउटसाइड से फिल करना है। अगेन उसके नीचे अपोजिट साइड में जिन लोगों ने ज्वाइनिंग करने में थोड़ा लेट कर दिया है तो आप वापस से वीडियो देख के कर सकते हो, IGTV पे वीडियो रहेगा। सिर्फ चेक्स के डिज़ाइन के लिए 1 आवर मैं एक्स्ट्रा कर रही हूँ बिकॉज थोड़ा सा बाकी लोगों के लिए टफ हो सकता है। सो आप फाइनली इसका लुक देख सकते हो, इट्स वेरी अमेजिंग। नाउ आप राउंड में यूज़ कर सकते हो, स्क्वायर में कर सकते हो, ट्रायंगल शेप में कर सकते हो। यहाँ से मैं एक पेटल स्टार्ट कर रही हूँ, सेकंड स्टेप लैंडस्केप पोर्शन में राइट साइड में पेटल ड्रॉ कर रही हूँ, अगेन लेफ्ट साइड में, देन अगेन डाउन साइड में। तो जब हम स्टार्टअप करते हैं तो 4 पेटल का यहाँ पे स्टार्टअप होगा। यहाँ पे कोई भी लाइन यूज़ नहीं की है, विदाउट लाइन मैंने यहाँ पे बनाया है। अब जितनी भी पेटल्स जो बनेंगी स्टार्टअप 4 लीव्स से ही करना है आपको। उसके बाद आप देख सकते हो हर पोर्शन पे 1 एंड 2 लीव्स का क्रिएशन होगा, 1 then 2। देन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सारी पेटल्स की साइज एक जैसी ही होनी चाहिए। एक भी पेटल अगर आपकी छोटी बड़ी होती है तो उसका लुक थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा।
देन यहाँ पे मेरी हाफ पोर्शन में ल्यूज आई है। इतना एरिया जब बचता है तो आपको उसको छोटा करके ऐड नहीं करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। छोटे सेक्शन को मैं हाफ पोर्शन में कंप्लीट करती हूँ। फर्स्ट स्टेप हमारा इस तरीके से कंप्लीट होगा। नेक्स्ट यहाँ से मैं एक ट्रायंगल शेप क्रिएट कर रही हूँ। फर्स्ट जो लीव मैंने बनाई थी उसके दो लीव्स के बीच में एक ट्रायंगल शेप क्रिएट करना है। देन सेकंड स्टेप फॉलो कर रही हूँ, यहाँ पे भी ट्रायंगल शेप, यहाँ पे भी ट्रायंगल शेप, यहाँ पे भी ट्रायंगल, यहाँ पे हाफ। स्टेप बाय स्टेप ही हमेशा आपको चेक्स के डिज़ाइन करने हैं। सेकंड स्टेप में हमने इस तरीके से ट्रायंगल शेप क्रिएट किया है। नाउ आउटसाइड एरिया को मैं डार्क पोर्शन से फिल करूँगी। थर्ड स्टेप है ये हमारी। स्टेप बाय स्टेप ही हमेशा करना है। आपने थोड़ा सा भी माइंड इधर उधर किया या कुछ भी किया तो यहाँ का फिलअप यहाँ पे भी हो सकता है, तो चेक्स के डिज़ाइन में भी कॉन्सेंट्रेट। ये बहुत ही अमेजिंग लुक देने वाली है। एरिया कम है तो मैं इसको थोड़ा फील कर दूंगी। देन थर्ड स्टेप यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो चुकी है डार्क पोर्शन से। नाउ फोर्थ स्टेप इज अप टू डाउन शेडिंग। डाउन टू अप शेड, अप टू डाउन लाइनिंग के साथ शेड कर रही हूँ मैं। डार्क लाइन नहीं यूज़ होगी, लाइट लाइन ही यूज़ होगी। फर्स्ट मैं स्ट्रेट लाइन को ही कंप्लीट करूँगी। सेकेंड अप टू डाउन, डाउन टू अप, नाउ स्ट्रेट। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट मैं चेक्स अभी करवाऊंगी आप लोगों को। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, देन राइट टू लेफ्ट।
ये जो चेक्स का लुक है, थोड़ा सा लाइट, थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा हैवी, इस तरीके का लुक देगा। जहाँ पे डार्क पोर्शन ज़्यादा होता है, वो चेक्स का लुक हमेशा थोड़ा हैवी लुक में ही आ जाता है। तो यहाँ पे इस चेक्स में थोड़ा सा लाइट शेड भी है, देन डार्क पोर्शन भी है, देन वाइट पोर्शन भी है। तो इतना रखना है तो हम इतना भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जो ट्रिंगल शेप में मैंने जो बॉक्सेस क्रिएट किए थे, उसमें भी मैं शेड करूँगी दो दो लाइन का। पूरे शेप को कवर नहीं करना है, ओनली डाउन साइड एरिया में ही मैं शेड कर रही हूँ। सो यू कैन सी द लुक, इट्स अमेजिंग। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। नेक्स्ट सेंटर पोर्शन से मैं दो लैंडस्केप लाइन यूज़ कर रही हूँ, देन सेकंड बॉक्स में पोर्ट्रेट लाइन। ये तो बहुत सारे लोगों ने यूज़ की है, सो जिनको आती है उनको पता होगा। एक पोर्ट्रेट लाइन एंड बाजू वाले बॉक्स में लैंडस्केप लाइन इस तरीके से यूज़ करना है। देन सेकंड स्टेप जब हम फॉलो करते हैं, तो सेकंड स्टेप में हमारी ऊपर वाली बॉक्स को आपको हमेशा देखना है। ऊपर वाले बॉक्स में लैंडस्केप लाइन है, तो ऑब्वियसली उसके नीचे पोर्ट्रेट लाइन क्रिएट होगी। सेकंड, वापस से आपको कन्फ्यूज़न है तो आपको ऊपर के बॉक्स को देखना है। ऊपर के बॉक्स में पोर्ट्रेट लाइन है, तो उसके नीचे लैंडस्केप लाइन यूज़ होगी। यहाँ पे पोर्ट्रेट, यहाँ पे लैंडस्केप। सो सेंटर पोर्शन को मैं डार्क बॉर्डर से फील कर दूँगी। देन आजू बाजू के पोर्शन में मैं एक एक लाइन एक्स्ट्रा क्रिएट कर रही हूँ। पोर्ट्रेट लाइन में पोर्ट्रेट लाइन, देन लैंडस्केप लाइन में लैंडस्केप लाइन। इतना ही करूँगी। देन यहाँ पे मैं सरफेस को टच करके थोड़ा सा शेड का लुक दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने बॉक्स की कोई साइज़ यूज़ नहीं की है। आपको स्क्वायर में बॉक्स बनाना है तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, इसकी पर्टिकुलर कोई साइज़ नहीं है।
ओनली जो लैंडस्केप पोर्शन है उसी में मैं शेड करूँगी, बाकी के एरिया को मैं एम्प्टी ही रखूँगी। आपको करना है तो आप इसमें भी आप शेड यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटर पोर्शन से मैं स्मॉल स्क्वायर बना रही हूँ। जो डिज़ाइन आपको दिख रही है सबका लुक डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन जिन डिज़ाइन का लुक परफेक्ट आना चाहिए उसके हिसाब से बॉक्स आपको प्रॉपर बनाना है। आप बॉक्स बहुत छोटा बना रहे हो फिर उसके अंदर ऐसे डिज़ाइन क्रिएट करोगे तो डिज़ाइन पूरी मैशअप हो जाएगी, वो प्रॉपर नहीं आने वाली है। तो डिज़ाइन के लिए आपको बॉक्स प्रॉपर बनाने होंगे। देन सारे स्क्वायर बनाने के बाद हर एक कॉर्नर पोर्शन से मैं एक एक लाइन फोर डायरेक्शन में यूज कर रही हूँ। एक लाइन को दूसरी लाइन से कनेक्ट करना है, ये हमारा सेकेंड स्टेप है। अगेन स्क्वायर के चारों कॉर्नर से एक्स्ट्रा लाइन क्रिएट कर रही हूँ। सेकेंड स्टेप इस तरीके से फॉलो करना है आपको। देन सेंटर पोर्शन में पोर्ट्रेट लाइन यूज करूँगी। अगेन उसके बाजू वाले बॉक्स पे मैं लैंडस्केप लाइन यूज़ करूँगी। इसमें लैंडस्केप लाइन यूज़ की है तो इसमें वापस से पोर्ट्रेट लाइन, इसमें पोर्ट्रेट की है तो इसमें वापस से लैंडस्केप लाइन। वापस से ऊपर वाले पोर्शन को देखना है, ऊपर वाले पोर्शन में लैंडस्केप पोर्ट्रेट लाइन है तो इसमें मैं लैंडस्केप लाइन यूज़ करूँगी। इसमें लैंडस्केप है तो यहाँ पे पोर्ट्रेट यूज़ होगा। कुछ भी कन्फ्यूज़न होता है आपको बनाने में तो आप ऊपर वाले बॉक्स को देख के करोगे तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। यहाँ पे हमारी लैंडस्केप लाइन है तो यहाँ पे पोर्ट्रेट। फर्स्ट आउटसाइड जो पोर्शन है उसको इस तरीके से फील करना है। ये तो चॉकलेट बन गई। जिन जिन लोगों को चॉकलेट बनाना नहीं आता है वो भी देख लो, चॉकलेट ऐसे बनती है। यहाँ पे लैंडस्केप में मैंने फिल किया है तो सेकंड बॉक्स को मैं आउटसाइड से पोर्ट्रेट डायरेक्शन में फिल करूँगी। वापस से थर्ड स्टेप लैंडस्केप, एक पोर्शन लैंडस्केप बनाना है, एक पोर्शन पोर्ट्रेट बनाना है। वापस से फर्स्ट स्टेप को मैं देखूंगी, आउटलाइन पोर्शन मेरा लैंडस्केप है तो उसके नीचे वाली स्टेप हमेशा पोर्ट्रेट ही आएगी। नेक्स्ट ये मेरी पोर्ट्रेट है तो ये लैंडस्केप बनेगी। बहुत ही आराम से और बहुत पेशेंस से आपको ये डिज़ाइन क्रिएट करनी है। फटाफट करोगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो होने वाली है। देन ये पोर्ट्रेट है तो लैंडस्केप। सो दूर से आप लोगों को एक
स्वास्तिक जैसा कुछ लुक दिख रहा होगा। नेक्स्ट अगेन कॉर्नर टू कॉर्नर यहाँ पे मैं लीव्स ड्रॉ कर रही हूँ। स्क्वायर के चार पोर्शन में लीव्स क्रिएट करनी है। वापस अपोजिट डायरेक्शन, अप टू डाउन शेड, ओनली फर्स्ट स्टेप ही कर रही हूँ मैं, अप साइड ही शेड कर रही हूँ यहाँ पे, अप टू डाउन शेड। ओके, अब क्रॉस लाइन करके एक पेटल से दूसरे पेटल्स के बीच में लाइन करने के बाद डॉट क्रिएट कर रही हूँ। एक पेटल से दूसरे पेटल्स के बीच देन ये जो पोर्शन है यहाँ पे मैं एक स्मॉल लाइन, छोटी छोटी दोनों डायरेक्शन में दो दो लाइन यहाँ पे यूज़ करूँगी। शेड नहीं है, ये दो लाइन क्रिएट कर रही हूँ एक्स्ट्रा, तो डाउन साइड नीचे के साइड में यहाँ पे सेंटर पोर्शन में डार्क लाइन और उसके नियर बाय एरिया में दो लाइट लाइन। देन फर्स्ट स्टेप को यहाँ से मैं डार्क करूँगी, सेकंड स्टेप एम्प्टी रखना है, थर्ड स्टेप को अगेन फील करना है, फोर्थ स्टेप को एम्प्टी रखना है, फिफ्थ स्टेप को फिर से फील करना है। दैट मीन्स एक पोर्शन एम्प्टी रखना है देन एक पोर्शन को फील करना है। वापस से फर्स्ट पोर्शन यहाँ पे नहीं करना है, जब आप यहाँ पे करोगे तो ये दोनों का मिक्सअप हो जाएगा, तो इसका भी फर्स्ट स्टेप ही फॉलो करना है, सेकंड स्टेप एम्प्टी, वापस से थर्ड स्टेप फील करूँगी, देन फोर्थ स्टेप एम्प्टी, सो एज अ ये फ्लावर का लुक भी दे रहा है, बहुत ही नाइस शेड भी दिख रहा है इसमें, देख सकते हो आप। टाइम रहेगा तो हम इसको एंड में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट स्क्वायर सारे चेक्स के डिज़ाइन बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही यूज़फुल होंगे आपको। पहले मैं लैंडस्केप लाइन यूज़ करूँगी, सेकंड स्टेप
सारे बॉक्सेस में इस तरीके से आपको कॉर्नर कॉर्नर टू लैंडस्केप लाइन यूज़ करनी है बॉक्स से कनेक्ट करके। देन पोर्ट्रेट लाइन अब सेंटर का जो पोर्शन है उसमें मैं डार्क एक लाइन क्रिएट कर रही हूँ लैंडस्केप, सेकंड वाले बॉक्स में पोर्ट्रेट लैंडस्केप पोर्ट्रेट, वापस से ऊपर वाले बॉक्स को देखना है, नीचे वाले बॉक्स में पोर्ट्रेट लाइन आएगी सेंटर पोर्शन में, यहाँ पर लैंडस्केप, देन फर्स्ट पोर्शन में मैं शेड यूज़ करूँगी, सरफेस पे टच करके राउंड राउंड करके आपको इस तरीके से जिगजैग वाला शेड करना है। सेकंड में पोर्ट्रेट लाइन में मैं शेड करूँगी, थर्ड स्टेप अगेन पोर्ट्रेट सॉरी लैंडस्केप, देन वापस से आउटलाइन बॉर्डर थोड़ा सा देना है हाईलाइट करने के लिए। देन ये वाला हमारा जो पोर्शन है वो पोर्ट्रेट है, तो यहाँ पे हम लैंडस्केप पोर्शन यूज़ करेंगे फॉर शेडिंग। देन ये सेक्शन कंटिन्यू करते जाएंगे। ये सेक्शन सॉरी तो बहुत टास्क जो है वो बहुत ही टफ है कुछ लोगों के लिए, तो बहुत ही आप आराम से करना। सो इस तरीके से वो कंटिन्यू होगा। फिनिशिंग के लिए वापस से आप आउटलाइन बॉर्डर हल्का सा दे सकते हो, बिकॉज शेडिंग करने में जो बॉर्डर ड्रॉ करते हैं वो समटाइम थोड़े रिमूव भी हो जाते हैं। नेक्स्ट कॉर्नर से हाफ राउंड में बना रही हूँ, हाफ राउंड हाफ राउंड इस तरीके से।
फर्स्ट स्टेप में मैं सारे बॉक्सेस के सेंटर पोर्शन में लाइन क्रिएट करूंगी इस तरीके से। सेंटर टू कॉर्नर, सेंटर टू कॉर्नर, अगेन सेकेंड स्टेप में भी ऐसा ही करना है सेम। एकदम ध्यान से देखना, जब सेकेंड स्टेप बनती है तो थोड़ा सा ऐसा फील होता है कि कहाँ से स्टार्टअप हुआ है और कहाँ पे एंडिंग हो रहा है इसका। सो फर्स्ट जो सेंटर लाइन हमने यहाँ पे क्रिएट की है, इसका फर्स्ट जो ट्रायंगल शेप है उसको मैं फील करूँगी। सेकेंड को एम्प्टी रखना है, सारे जो फर्स्ट पोर्शन है वहाँ पे उसको डार्क पोर्शन में फील करना है। एक को एम्प्टी रखना है इस तरीके से। देन अगेन फर्स्ट स्टेप फील करनी है, सेकेंड एम्प्टी छोड़नी है। ये हमारी एम्प्टी है तो ये यहाँ पे फील होगी, ये एम्प्टी है तो ये फील होगी। आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट एम्प्टी रखना है, एक स्टेप फील करना है इस तरीके से। फर्स्ट स्टेप को पूरा कंप्लीटली कर लेना है। अगेन सेकेंड स्टेप में आपको वापस से फर्स्ट स्टेप ही लेना है, बिकॉज आप सेकेंड स्टेप को सेलेक्ट करते हो तो दोनों का फिलर का जो है वो मिक्सअप हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जब फर्स्ट स्टेप लिया है तो सेकेंड स्टेप में भी मैं फर्स्ट पोर्शन को ही फील करूँगी। फर्स्ट 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 स्टेप इस तरीके से सारे स्टेप को आपको क्लियर करना है। बनने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि इसका स्टार्टअप कहाँ से हुआ एंड एंडिंग कहाँ पे हुआ। सो कॉर्नर पॉइंट से मैं लाइन बना के डॉट कर रही हूँ, लाइन बना के डॉट। चेक्स के सारे डिज़ाइन मेहंदी में बहुत यूज़फुल है। सो फाइनल लुक इस तरीके से कुछ दिखेगा। नेक्स्ट कॉर्नर से मैं हाफ राउंड यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ, हाफ राउंड। इस तरीके से लाइन के साइड साइड पोर्शन पे एक लीव्स क्रिएट होते जाएगी। इस
इसको फ्लैट ही रखना है, ज़्यादा आउटसाइड इनसाइड आपको थोड़ा पोर्शन बाहर नहीं निकालना है, बिकॉज़ अंदर भी डिज़ाइन यूज़ करनी है। वापस अगेन एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के साथ कनेक्ट करना है। जो सेंटर पोर्शन है यहाँ से मैं यही शेप वापस से क्रिएट करूँगी, कॉर्नर टू राउंड, कॉर्नर टू राउंड इस तरीके से। इस तरीके से पूरा स्टेप पहले कंप्लीट करना है हमेशा, फिर फर्स्ट पोर्शन को डार्क पोर्शन से हाईलाइट करूँगी, उसके अपोजिट सेक्शन को हाईलाइट करना है डार्क बॉर्डर से फिल करके। तो ये कुछ लैंडस्केप पोर्शन में आएगा। अगेन उसके सेकंड पोर्शन में मैं पोर्ट्रेट फिल कर रही हूँ। वापस से पोर्ट्रेट, एक अगर लैंडस्केप फील ले रहे हो तो सेकंड फीलर जो हमेशा रहेगा वो पोर्ट्रेट ही आएगा। वापस से ऊपर वाले डायरेक्शन को देखना है, इसका लुक बहुत ही अच्छा दिखेगा। पोर्ट्रेट देन लैंडस्केप, लैंडस्केप देन पोर्ट्रेट। इस तरीके से आउटसाइड के एरिया को पहले कवर करना है। तो इसकी भी कुछ स्वास्तिक जैसी कुछ लुक दिख रही है। देन सेंटर पोर्शन में मैं राउंड शेप में हाईलाइट करूंगी। शेडो का लुक दे रही हूँ। जितनी भी चेक्स हमने यहाँ पे बनाई है उनका लुक आपको पता चल रहा होगा कि कौन सी चेक्स लाइट लुक दे रही है, कौन सी डार्क लाइट के कॉम्बिनेशन में है, कौन सी शेडो के लुक में है, कौन सी एकदम डार्क है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऐसा लुक क्रिएट होगा। नेक्स्ट कॉर्नर कॉर्नर पोर्शन से मैं चार लीव्स यहाँ पे क्रिएट करूँगी। कनेक्ट करके ही बनाना है। इसमें भी आउटसाइड में स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन करके एक बॉक्स क्रिएट होगा स्क्वायर में। दो लीव्स के बीच में जो स्पेसिंग है उसको लाइन के साथ कनेक्ट करके
आउटसाइड पोर्शन पे एक बॉक्स जैसा लुक देना है। देन इसको फील करना है। इस तरीके से देन लाइन के साथ डॉट डॉट लाइन, बहुत पतली सी लाइन यहाँ पे बना रही हूँ मैं, पूरे शेप को कवर नहीं करना है। इस तरीके से सारी कंप्लीट होगी। स्क्वायर लाइन डॉट लाइन डॉट, इस तरीके से। तो ये लाइट और डार्क के कॉम्बिनेशन में है। देन नेक्स्ट सेंटर सेंटर पोर्शन पे मैं डॉट क्रिएट कर रही हूँ। इस तरीके से हाफ हाफ राउंड कॉर्नर टू कॉर्नर। देन कॉर्नर टू कॉर्नर हाफ राउंड थर्ड स्टेप। चारों लाइन अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होगी। देन डार्क बॉर्डर से हाईलाइट कर रही हूँ। थ्री थ्री लाइंस, वन टू एंड थ्री। सेकेंड स्टेप को एम्प्टी रखना है। थर्ड स्टेप में वापस से थ्री लाइन। देन जो एम्प्टी एरिया हमने रखा है उसमें इस तरीके से शेड करना है।
मेरे लाइव सेशन का टाइमिंग 7 to 8 है, किसने मैसेज किया है। अगर आपने मिस कर दिया है तो अभी 2 to 3 hours के लिए IGTV पे रहेगा, सो आप स्टेप बाय स्टेप वापस से देख सकते हो। तो देख सकते हो इसका लुक भी बहुत अमेजिंग लग रहा है। देन सबसे इम्पोर्टेंट थिंग लाइन, अगर आपकी लाइन क्लियर नहीं है, बॉक्सेस आपके क्लियर नहीं है, तो डिज़ाइन अच्छे से नहीं बनने वाली है। तो इसलिए अच्छे से लाइन पहले क्रिएट करनी है, कॉर्नर टू कॉर्नर। इस तरीके से अगेन कॉर्नर टू कॉर्नर। कॉर्नर से सारे सेक्शन को कनेक्ट करना है, देन डबल लाइन, इस तरीके से बॉक्स बनाना है। देन हमने एक रोज फ्लावर सीखा था, कॉर्नर टू कॉर्नर। इस तरीके से ट्रायंगल शेप में हमने राउंड में सीखा था, आज हम यहाँ पे स्क्वायर में यूज कर रहे हैं। इस तरीके से इतने सारे फ्लावर बनाओगे तो अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जिनको नहीं आता है। हाफ पोर्शन छोटे सेक्शन में आधा नहीं बनाना है। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी डिजाइन आज हार्ड लगी होगी, देन इस तरीके से फील करना है। पूरा फील करने के बाद एज ए ये फ्लावर का लुक ही देगी ये चेक्स।
इस तरीके से सारे बॉक्सेस को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर मैं एक्स बना रही हूँ। सबसे पहले क्रॉस लाइन, देन सेंटर पोर्शन पे प्लस प्लस यहाँ से ट्रायंगल शेप क्रिएट करना है स्टेप बाय स्टेप। डाउन साइड हर एक चीज़ का एक टेक्निक होता है। आप अचानक से ऐसे कोई भी चीज़ डायरेक्ट बनाओगे तो वो नहीं बनने वाली है। स्टेप को ही फॉलो करना होगा, विदाउट स्टेप ये नहीं बनने वाला है कोई भी डिज़ाइन। क्रॉस लाइन क्रॉस लाइन, देन प्लस पॉइंट प्लस पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट ट्रायंगल शेप क्रिएट करना है। देन अगर आपको बहुत लाइटली लुक में चाहिए तो आप इसको पूरा एम्प्टी भी रख सकते हो, बट मैं इसको फिर से कुछ घुमा दूंगी। फर्स्ट स्टेप डार्क, सेकंड एम्प्टी, सेकेंड एम्प्टी, अगेन फर्स्ट स्टेप इसका लुक भी देख सकते हो। तो आज हमने बहुत सारी ये चेक्स की डिज़ाइन की है, देख सकते हो। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। आज ये स्पेसिंग मैंने इसलिए छोड़े है आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो।